बेरोजगारी के इस दौर में जहां लोगों को ढंग का रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। ऐसा एक मामला भोपाल से सामने आया है, जिसमें मानव संग्रहालय में नौकरी दिलाने के बहाने से जालसाजों ने युवाओं से लाखों की ठगी की। भोपाल में मानव संग्रहालय में नौकरी लगवाने का झांसा देकर जालसाजों ने 3 लोगों से लाखों रुपए ठग लिए हैं। पैसे मिलते ही आरोपियों ने स्पीड पोस्ट से फर्जी अपॉइंटमेंट लेकर भेज दिया, साथ ही ईमेल आईडी पर रोजगार योजना की फर्जी ट्रेनिंग से सर्टिफिकेट व आदेश भी भेज दिया। ठगी का पता चलते ही जब इन युवाओं ने आरोपियों से पैसे वापस मांगे तो आरोपी इन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने ऐशबाग थाने जाकर दी। वहीं पुलिस ने हीना परवीन उर्फ शीबा, इमरान जीनत, फराज उजमा और जहीरुद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।